अवैध अतिक्रमण के नाम पर रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में फिर से एक बार सरकारी डंडा चल पड़ा है। इस बार भी प्रशासन के निशाने पर सिर्फ महज फेरी फड़ व छोटे व्यापारी हैं। हर बार सरकारी कायदे कानूनों के जरिए बेरोजगारों को ही फिर से बेरोजगार बनाया जाता है और बड़े पैमाने पर हो रहे सरकारी अतिक्रमण की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की दोगली कार्रवाई से जनता खासे परेशान है। नगर में पालिका द्वारा अनेक जगहों पर अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं, जिससे यातायात संचालन में भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ नए बस अड्डे की पार्किंग स्थल पर तमाम अप्रयुज्य सामग्री के ढेर लगाए गए हैं, जिससे लोगों को पार्किंग में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जिस प्रकार से प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई की है, तो मैं उसका स्वागत भी करता हूँ पहले, लेकिन जिस प्रकार से छोटे व्यापारियों को परेशान किया गया, वो बहुत सरासर गलत है। और दूसरी बात, जो नगर पालिका ने तमाम जगहों पर अतिक्रमण कर रखा है, एक प्रकार से नगर पालिका करी अतिक्रमण हटा, दूसरी ओर खुद ही अतिक्रमण कर रही है। जगह जगह देखो, नगर पालिका ने अतिक्रमण कर रखा है। और जहाँ तक मैं बाहरी व्यक्ति की बात करता हूँ, बाहरी व्यक्ति तो खुलेआम और बाजार में अपनी दुकान चला रहे हैं, और नगर पालिका की साठ गांठ के कारण, उनकी मिलीभगत के कारण ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण हटना है तो सभी का हटना चाहिए, वो जो सरकारी हो या चाहिए बड़े लोगों का हो चाहे छोटे लोगों का हो। केवल ये जो अभी अतिक्रमण हटा, ये केवल छोटे लोगों के लिए और जो परमानेंट लगे हुए हैं दुकानदार, उनके लिए हटाने के लिए। आप सरकार का देखेंगे, सब आप देख रहे हैं, सरकारी का है, नगर पालिका का है। नगर पालिका को भी स्वयं अपना अतिक्रमण भी हटाना चाहिए, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे किसी बड़े विभाग का हो। अतिक्रमण हटना चाहिए तो सभी लोगों का हटना चाहिए। अभी जो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही है, क्योंकि ऑल वेदर रोड के निर्माण के कारण हमारे रुद्रप्रयाग शहर जो है, तिलवाड़ा है, एक मैसिव स्तर पर उसमें डिमोल्यूशन होना है और रोड की चौड़ाई बढ़नी है। अभी हम लोगों ने प्रथम चरण में उन जगहों को केंद्रित किया है जहां पर कि नाली के ऊपर कुछ पत्थर के सामान रखा जा रहा है, जिससे कि ट्रैफिक में कंजेशन हो रहा है। तो वो जितना भी अस्थाई लोगों का सामान रखा हुआ है, जो भी उनके अस्थाई चीज़ बनी हुई है, वो हम हटा रहे हैं, और जो स्थाई निर्माण वाले हैं उनको भी नोटिस दे रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारे शहर के लिए ये प्रॉब्लम, जैसे ही ऑल वेदर रोड का एक आध महीने में काम शुरू हो जाएगा, तो वो सारा का सारा अतिक्रमण हटना है, तो उसमें ऑलरेडी उसमें डिमोलिशन का कार्य किया जाएगा। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने केवल ट्रैफिक कंजेशन को देखते हुए उन स्थानों को चयनित किए हैं जहाँ पर कि गाड़ियों के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, और उन गाड़ियों के मूवमेंट को ठीक करने के लिए जो भी नालियों के ऊपर सामान रखा हुआ है व्यापारियों द्वारा या अन्य द्वारा, उसको हटाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही हम लोग इसमें परमानेंट अतिक्रमण पर आते हैं, तो उसमें जितना भी इस तरह का अतिक्रमण है, जिसमें कि कुछ परमानेंट नगर पालिका द्वारा किया गया चाहे इंडिविजुअल द्वारा किया गया है, उसमें भी एक प्रभावी कार्ययोजना बना करके हम निश्चित रूप से उसको भी हटाएंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर हम लोग केवल ट्रैफिक कंजेशन को देखते हुए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज, रुद्रप्रयाग।